हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल। आज मैं आपको वन साइज अ लिटिल बर्ड का करने वाली हूँ एंड ये बहुत जल्दी जल्दी आपके हो रहे हैं क्योंकि मैंने एक ही क्लास में आप एक ही क्लास में है ना फर्स्ट क्लास में, तो आपका ये है आपका सेक्शन। ओ माय गॉड, आपको लाल से शौकत करना चाहिए क्योंकि मैम हूँ, आपको सब पता ही होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम यूनिट 4 के में फर्स्ट वाले में देख लेते हैं क्या है। सिंगिंग एंड एंजॉय दिस पोयम। Once I saw a little bird come hop, 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 and I cried, little bird, will you stop, stop, stop? I was going in the window and say howdy-doo, and it shook a little tail, and where he flew. मुझे याद है जब मेरे भाई भी फर्स्ट क्लास में है तो उसे भी पढ़ाना पड़ता है, तो फर्स्ट क्लास में मैंने सोचा ये भी खोलूँ। ठीक है, दूसरी नहीं है। एक बार मैंने एक चिड़िया देखी जो कूद रही थी कूद कूद कूद, और मैं चिल्लाया छोटी चिड़िया तुम रुक जाओ। देखिए जैसे कि ये कह रहा है कि हाँ रुको रुको तुम रुको, फिर बच्चे होते हैं ना उनका एक्साइटमेंट होता है ये बर्ड और देखना, तो इसलिए वो उसने भी काम। मैं गया विंडो के पास टू से कि कहने की तुम क्या कर रही हो, पर उसने अपनी छोटी पूंछ हिलाई, देखो हिलाई ना, और वो उड़ गई। तो ये इसके न्यू वर्ड्स में आपका आता है नए शब्द में। बर्ड मतलब चिड़िया, हॉप मतलब कूदना, स्टॉप मतलब रुकना, टेल मतलब पूंछ, मतलब विंडो मतलब खिड़की, खिड़की के पास क्या था ना वो। एंड लेट्स रीड में हमारा क्या आता है, धीरे धीरे जल्दी जल्दी हम एक ही दिन में ख़त्म कर रहे हैं। लेट्स रीड। द बर्ड फ्लाई आउट ऑफ द विंडो। चिड़िया उड़ती है घर के बाहर, क्यों मतलब खिड़की के बाहर, क्योंकि क्या होता है कुछ लोग चिड़िया पाल लेते हैं ऐसे ही। आप कहेंगे कि देखो घर में चिड़िया रहती है, बट पहले ऐसा नहीं होता था फ्रेंड्स, पहले उनको आज़ादी स्वतंत्रता रहती थी, पर हम ऐसे इंसानी हैं। वी मस्ट स्टॉप कटिंग ट्रीज, मतलब हमें पेड़ों को ऑलमोस्ट नहीं काटना चाहिए। तो ये नियर का आपका है, तो चलिए ये आपकी ख़त्म होती है आपकी, तो ये मस्ती आपकी ख़त्म होती है। बहुत आज मैंने बहुत आपको काम दिया फ्रेंड्स, मुझे बहुत अफसोस है आपके ऊपर। एंड वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड एंड थैंक यू, क्योंकि हमारा नए चैप्टर्स बहुत जल्दी जल्दी शुरू हो रहे हैं एंड इससे पहले मैंने आपका कभी नहीं किया। पापा